नमस्कार, व्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र तिवारी। आमतौर पर पद्म सम्मान पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। अधिकांश लोगों की ये दिली इच्छा भी रहती है कि उन्हें भारत रत्न, पद्म सम्मान या किसी राज्य के अन्य सम्मान से भी उन्हें नवाजा जाए। लेकिन ब्रज में एक संत हैं जो पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद भी उस सम्मान को वहां लेने नहीं पहुंचे। जी हां, वो संत हैं मथुरा जिले के बरसाना में रहने वाले गहबर बन के विरक्त संत रमेश बाबा। जी हां, ये ब्रज के प्रसिद्ध बाबा हैं और तमाम तरह के जो है आंदोलन समय समय पर ब्रज के लिए, ब्रज के पर्वतों के लिए, यमुना को शुद्धिकरण के लिए और भी अन्य आंदोलन इनके चलते रहते हैं। तो पद्म सम्मान की जो घोषणा रमेश बाबा को जनवरी माह में की गई थी, पद्मश्री सम्मान देने की, इनके साथ ही एक जर्मनी महिला जो यहां आकर के मथुरा जिले के राधा कुंड में रह करके गौ सेवा में लगी हुई है, उनको भी पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी जनवरी माह में। दोनों को मथुरा जिले के से दोनों को जो है चुना गया था। और वर्तमान में जो जर्मनी की जो महिला हैं वो राधा कुंड में रह करके गौ सेवा कर रही हैं। हम बात करते हैं रमेश बाबा की। तो गहबर बन के जो विरक्त संत हैं, बाबा को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई थी जनवरी माह में। इसके लिए कई बार इनको पद्मश्री लेने के लिए दिल्ली भी बुलाया गया, लेकिन बाबा दिल्ली पद्मश्री सम्मान लेने नहीं पहुंचे। इसका एक विशेष कारण है। वो कारण क्या है? बाबा ने प्रण कर रखा है, रमेश बाबा जो हैं ब्रज के जो गहबर वन में रहते हैं, बरसाना के गहबर वन में रहते हैं, उन्होंने ये प्रण किया हुआ है कि मैं कभी भी जो है ब्रज छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और पद्मश्री सम्मान लेने के लिए निश्चित ही उनको ब्रज छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ता। इस प्रतिज्ञा को न टालते हुए उन्होंने पद्मश्री सम्मान न लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन वहां से बार बार टेलीफोन आए राष्ट्रपति भवन से कि भैया आपका बाबा जो है, आपका सम्मान पद्मश्री है, ये लेने आ जाइए। बाबा ने अपनी असमर्थता बता दी। तो आखिर में जो है जिला प्रशासन को सूचना दी गई कि जो है रमेश बाबा का पद्मश्री सम्मान है, इसको आप बाकायदा दे करके आइए। तो आज यानी आज 17 मई है, आज जो है जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी उस पद्मश्री सम्मान को लेकर के बरसाना पहुंचे और बरसाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के सामने रमेश बाबा को पद्मश्री सम्मान दिया गया। आपको बता दें, उनको जो रमेश बाबा हैं उनको ये सम्मान एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है। रमेश बाबा करीब 6 दशक से अधिक समय से भी ब्रज में रह करके यहां के वनों, पर्वतों के संरक्षण के लिए समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। उनका यमुना मुक्तिकरण के लिए जो आंदोलन था वो भी काफी दिन तक चला था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी वो भी हिल गई थी। बाद में इनको आश्वासन दिया गया कि हम जो है यमुना को शुद्धिकरण के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। 6 दशक से अधिक समय से भी बाबा यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये जो सम्मान दिया गया है एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है। बाबा जो है एक बरसाना में ही एक माताजी गौशाला चलाते हैं, उसमें करीब 60,000 निर्बल असक्त ऐसी गायों का जो है पोषण किया जाता है। उनके इसी काम के लिए बाबा को पद्मश्री सम्मान देने के लिए आज यहाँ तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। अब
सुनते हैं बाबा का क्या कहना है पद्मश्री को लेकर के। अपना अपमान समझते हैं क्योंकि हम किसी कर्म को, यही प्रश्न मोहन भागवत जी ने किया था, उन्होंने हमको ब्रज रत्न की उपाधि के लिए बुलाया था आगरा में और हमने मना कर दिया था, फिर उनको अच्छा नहीं लगा। वो जब यहाँ आए तो हमने स्पष्ट किया, भाई हमारा सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करते और फल की इच्छा से कार्य करने वाला कृष्ण भक्त नहीं है, हम किसी भी फल को नहीं चाहते हैं। हो सकता है इससे कम हो या बड़ी हो, मेरा किताब भी है अलग अलग स्थानों पे है लेकिन एक स्थान पे इतने गोवंश नहीं है। ये पूरे ब्रज के लिए भी गौरव की बात नहीं है कि राजस्व के साथ एक और सुनैना सुदेवी सुदेवी जी जो है उनको भी राधा श्री राधा कुंड में जो गो सेवा करती है, यद्यपि वो सारा छोटी है 1500-1600 गायें रहती है लेकिन उनके भी समर्पण को देख करके ये सम्मान भारत सरकार ने दिया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये महान हमारे माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी अपने हाथों से इस सम्मान को देते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से पूछे महाराज श्री का जाना नहीं हो पाया था तो मेरे पास ये संदेश आया कि ये पुरस्कार के जो अभिलेख है और जो साथ में महाराज श्री के चरणों में आज उपस्थित हुआ हूँ। महाराज श्री का मैंने पहले भी कई बार दर्शन किया है, 2-3 बार दर्शन करने का अवसर मिला है लेकिन आज मेरे लिए विशेष अवसर इसलिए है कि मैं दर्शन पहले एक व्यक्ति विशेष के रूप में करता था, आज महाराज श्री के चरणों में एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आकर के जो सम्मान का प्रमाण पत्र और अभिलेख है वो महाराज श्री के चरणों में रखूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में चूंकि हम लोगों के श्रेष्ठतम आए इसमें